पारलाखेमुंडी एसीएफ मृत्यु घटना सौम्यों कार्यस्थल को जा तदंत कर पुलिस सुराग खोल साइंटिफिक टीम गतकाली परिवार लोकों उपस्थित में सौम्य जो घरे जली जाते तहार ताला खोल जाता जो थे सांघातिक तथ्य सामनाक आसी से ही घरे के भी लगनी कला दाग मजिस्ट्रेट उपस्थित में गजपति पारलाखेमुंडी में सौम्यों सरकारी क्वार्टर खोल जाए सामनाक आसी एभली संगीन तथ्य घरे सौम्यों छड़ा आउ कौन जिनस दाग नथिबारु सौम्यों हत्या करा अभियोग आनी परिवार सौम्यों स्त्री विद्या भारती डीएफओ और रोसिया नाँ में रुजु होई मामला खूब शीघ्र से जेरा करा बोली पुलिस यहसह साइंटिफिक टीम जबत कर लैपटप्रु कि क्षय मिलपे आशा रखी पुलिस पारिपार्श्विक प्रमाण सौम्यों हत्या सन्देह घनीभूत हो प्रश्न उठू सौम्य जलिले केमिति दुर्घटना दिन घरे सौम्यों स्त्री विद्या भारती निया लगवा नहीं केमिति जापारे विद्या जदि निया लगला घरे अन्य सब जिनस केमती सुरक्षित था सौम्यों सरकारी बासभवन निकट सीसीटीवी जांच हेब तो तबे संपर्क में अधिक सूचना वर्तमान आम सहित जोड़ी होती सदासल्क आम प्रतिनिधि जितेंद्र बारिक जोड़ी होती जितेंद्र कौन अपडेट आसुची जहां सूचना आसुची जे आज सौम्यों कार्यस्थल को जीव साइंटिफिक टीम एवं पुलिस अधिकारी निश्चित भाव चिन्मय गोटे कथा जो कह गत मजिस्ट्रेट और पर बापा और भाई सामन ही से जो घरे रोते सौम्य डीएफओ ऑफिस परिसर में थी घर को खोल जाए तनख तनक तदंत किसी चांचल्यकर तथ्य पाई साइंटिफिक टीम पाई जहाँ वकिल जहाँ थे कल सूचना दौले आमको किसी हाथ लेखा खाता पाई से किसी बोन पेपर एवं से एठार कार्य मानसिक चापर थी कथा कही आम भाई अच्छा आम सहित सहित सीधा साल आलोचना करा पचारि बुझा आपड़ कल जाटा को सर से जो जो घर थी से घर जाइए कौन कौन देखे से आम जहाँ देखल से पारिपार्श्विक कौटे नि लगनी केवल सौम्य को छाड़देले स्त्री थे कि जापारे नहीं संपूर्ण घटना एटा आज्ञा प्रथम तो कथा मुको कह कि इट्स ए प्री प्लांड मर्डर सिंपल इट्स ए प्री प्लांड मर्डर कहीं कहूँ प्री प्लांड मर्डर कि आम जहाँ कल पारिपार्श्विक परिस्थिति देखल से कौन सी लोक गोटे इवेन गोटे छोट जो कौन सी जीव को भी आपड़ पोड़े तार जो पारिपार्श्विक परिस्थितर तार स्मेल तार गंध तार जहाँ भी जिनस किसी आमको लगलानी केवल आउ घरटा भी एत बहुत बड़ ना नुहे गोटे लोक पोड़गला 90% आ गोटे लोक जापारे तेणु एटा मर्डर स्पॉट बिल्कुल नुह ताकु आउ कौटी से माने मारी मारिकी आणिक देखते कि यहाँ गोटे स्पॉट बोली किंतु एक्जाक्टली सेटा स्पॉट नुहे आउ से स्पॉट रे आम जहाँ देख लु कागज पोड़ा भाया छोट छोट तीन चार टुकड़ा पड़ता आउ सहित से जो कांथ कि फ्लोर किंबा से जो आखपाखे जिनस जमीती तार प्लास्टिक डिब्बा हो कटन जा आपणकर डोर कटन हो कि से जो फ्लोर मैट हो किसी है नहीं तो आम एमटू कौन विश्वास कर यहाँ मर्डरटा गोटे सुकर मानने पूरा प्लांड मर्डर बाहर मर्डर हो भाई को आठिक नहीं आई मर्डर में संपूर्ण आमर आम तो आउ कह क्या जानू जेहेतु भाई आउ बहू थे तेणु ऑब्वियसली बहू जदि कथा कह साइंटिफिक जो तदंत कर साइंटिफिक टीम आसी तदंत कर किसी तथ्य मानने जहाँ कह लैपटॉप सीज कर हाथ लेखा डायरी जो जो छोटिया खाता था से कौन थी कह से तो आम पूरा एजाए आम कि पढ़ीनु जेहेतु पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली तेणु पुलिस भी आमको सब जिनस तो रखी हेफाजत भी किसी अच्छी फोरेंसिक टीम अच्छी बट आम जी शुणी बहुत शारीरिक प्लस मानसिक दुईटी जाक चापरे एबे आमर स्टेटमेंट रेकर्ड चली स्टेटमेंट रेकर्ड सरलापर तापर उच्च उच्च पदस्थ अधिकारी सहित आम देख देखा कर योजना अच्छी देखा कर भरोसा अच्छी पुलिस आपको न्याय दबो बोली केते भरोसा आमर तो बहुत संपूर्ण भरोसा पुलिस उपरे अच्छी आ पुलिस उपरे न रखिले आम कहा उपरे रखिबो जेहेतु इट्स ए मर्डर केस तेणु आम तो ऑब्वियसली पुलिस उपरे भरोसा अच्छी आ पुलिस एपर्यंत आम सहित भी कोऑपरेट करुची आम जहाँ कहूँ आमको साहय करुचे आम भावुचु फ्यूचर अवश्य
ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମନକୁ, ଯେ ଏଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ବି କେହି କଷ୍ଟଡିକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଯିଏ ଭାଇ ବୋଉ ସେ ତ ଆସିବା କଥା, ବଟ୍ ଏ ଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏନି ହଉ ଆମର ଚାଲିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହିଁ ଆପଣ? ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଏବକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇନି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମେ ବି କିଛି ଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ କହିପାରିବାନି, ଏଇଟା କୋର୍ଟର ବିଷୟ। ତଥାପି ଆଶା କରୁଛୁ କି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଭିତରେ ମେ ବି ତା ସେମାନେ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକ ଯେଉଁ ମୋଡ଼ି ଡବା ଥିଲା, ଥର୍ମୋକୁଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେ ପାଖରେ, ସେ ଟୋଟେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି କହିକି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଦାଟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନିସିଆଲ ମୋ ମାମୁଁ କଥା ହେଲେ ବୋହୁଙ୍କ ସହିତ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଟୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଆଉ ସେ ଚେୟାରଟା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।